डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे वीडियो देखे हैं। आपका चाहे स्केल हो, लाइन हो, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो, प्लेन हो, सॉलिड हो, सेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, ये सभी हम लोग देखे हैं बहुत डिटेल में। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उसके बाद आइए देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। सबसे पहले हमारा टॉपिक था स्केल, जिसमें कि डायमेंशंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक ना, मस्ट बी रिड्यूस्ड टू एकोमोडेट ऑन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्रॉइंग शीट। दिस रिडक्शन क्रिएट्स ए स्केल ऑफ द रिडक्शन रेशियो। देयर मे बी थ्री टाइप्स ऑफ स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल एंड फुल साइज स्केल, जहाँ पे एग्जैक्ट रेशियो होता था। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालते थे। जस्ट मैं आपको वह सारे छोटे पॉइंट्स रिमाइंड कराना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता था कि जितना आपने माना, दैट मीन्स की एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग ऑन द ड्रॉइंग एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेम यूनिट, ठीक है। उसी तरह से एरिया निकालना हो तो एरिया दोनों का लेकर के स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और यदि वॉल्यूम निकालना हो तो क्यूब रूट लगा देते हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। और उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं, ठीक ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इंटू मैक्सिमम लेंथ विच हैज टू बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर। हमेशा लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में निकालते हैं। उसके बाद दीज आर फ्यू यूनिट्स कि कैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ एसआई यूनिट्स पढ़ते हैं, तो एसआई यूनिट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे मैक्सिमम जो लेंथ होता है एसआई यूनिट में वो किलोमीटर होता है, और मिनिमम मिलीमीटर होता है। तो दीज आर दी रिलेशन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। सभी में एक जीरो बढ़ाते जाएंगे तो सभी निकलते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, तो 9 0 0 इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका, और ये आपका निकल जाएगा। सिमिलरली एरिया में भी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो है आपका हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, दैट मीन 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। उसी तरह से वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। टाइप ऑफ द स्केल में आपने देखा था प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल एंड स्केल ऑफ कोर्स। इसके अलावा आप कोनिक सेक्शन में देखे थे लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। फर्दर आइसोमेट्रिक स्केल आप देखे थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। दीज आर द टाइप ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड डायगोनल स्केल। दैट मीन्स प्लेन स्केल रिप्रेजेंट्स टू कंजेक्यूटिव यूनिट्स, इन केस ऑफ डायगोनल स्केल इट रिप्रेजेंट्स थ्री कंजेक्यूटिव यूनिट्स। जैसे 2.1 को मेजर कर सकता है, लेकिन 2.12 मेजर करना हो तो दैट डायगोनल स्केल विल बी रिक्वायर्ड टू मेजर 2.12। व्हाट इज द स्केल ऑफ कोड एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो? स्केल ऑफ कोड इज द स्केल इज ड्रॉन टू मेजर द एंगल। इट इज बींग यूज टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर्स। जनरली हम लोग प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करते हैं, बट विदाउट प्रोटेक्टर स्केल ऑफ कोड आप यूज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज वी ड्रॉ ए सीरीज ऑफ कोड्स, क्योंकि इसमें आर्क दैट मीन्स कोड बहुत यूज करते हैं, इसलिए इसको स्केल ऑफ कोड बोलते हैं। और स्केल ऑफ कोड दैट मीन्स कोड के हेल्प से ही हम लोग एंगल मेजर करते हैं कि कितने एंगल पे वह सबटेंड है। आर एफ ऑफ द स्केल कोड इज यूनिटी। हाउ विल यू मेजर गिवेन एंगल यूजिंग स्केल ऑफ कोड? फर्स्ट वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ स्केल ऑफ कोड विथ वर्टेक्स एज सेंटर। देन वी हैव टू टेक इंटरसेप्ट इन द डिवाइडर एंड कंपेयर इट विथ द नॉन कोड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ गिवेन एंगल। तो ये आंसर ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप एक बार स्केल का वीडियो जरूर देख लीजिए। हाउ विल यू गिवेन ड्रॉ गिवेन एंगल यूजिंग स्केल ऑफ कोड? दैट मीन्स कि जो भी गिवेन एंगल है उतने ही लेंथ का आप स्केल ऑफ कोड ड्रॉ करते हैं, और फिर कंपास के हेल्प से डिस्टेंस मेजर करके देख आ रहा है।
उसी तरह से इंजीनियरिंग कर्व आप देखे होंगे, एलिप्स, एलिप्स बनाने के बहुत सारे मेथड्स थे अपने, कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, रेक्टेंगल मेथड, ऑब्लॉन्ग मेथड, आर्क ऑफ सर्किल मेथड, रोम्बस मेथड एंड बेसिक लोकस मेथड, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, और ये जो पैराबोला है, हाइपरबोला है, तीनों के लिए डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड इक्वली एप्लीकेबल है। यदि हम इसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसेंट्रिसिटी पैराबोला का 1 होता है, एलिप्स का लेस देन 1 होता है, और हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1 होता है। फर्दर दीज आर दी मेथड्स टू ड्रॉ दी पैराबोला एंड हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन क्या है? एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन बिकॉज दीज कर्व्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम दी सरफेस ऑफ कोन व्हेन इट इज कट बाय सम टिपिकल कटिंग प्लेन। दैट मीन सेक्शन प्लेन से जब इसको कोनिक सेक्शन को कट करते हैं तो हमको जो कर्व मिलता है उसी को कोनिक सेक्शन बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मेथड में जब आप ड्रॉ किए थे तो एक डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होता था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट होता था, चाहे उस पॉइंट को आप कहीं भी लोकेट कर लें। ठीक है, ए पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड सच काइंड ऑफ कर्व इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन कर्व। ये सिर्फ कोनिक सेक्शन में ही ये ट्रू है। एलिप्स दैट मीन्स जो ये आप इसेंट्रिसिटी निकालते थे, जब ये लेस देन 1 हो जाए, ठीक है, तो इसको एलिप्स बोलते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इट इज लेस देन 1, जो हमने आपको अभी इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन बताया। फर्दर दूसरा है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड दैट फिक्स्ड कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेजर एक्सिस मेजर कर सकते हैं और ये प्रिंसिपल लगा सकते हैं। ये वाइडली प्रिंसिपल फोकस मेथड में यूज करते हैं। दीज आर दी मेथड्स टू ड्रॉ द इलिप्स। ठीक है, लगभग यही सब मेथड्स पैराबोला में भी यूज होता है, एक्सेप्ट कंसेंट्रिक एंड आर्क ऑफ सर्किल मेथड। पैराबोला इट इज दी अगेन लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड इट्स रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दीज आर दी मेथड्स टू ड्रॉ दी पैराबोला। देखिए, जनरल मेथड, रेक्टेंगल मेथड एंड टेंजेंट मेथड। टेंजेंट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को ट्रेंगल मेथड भी बोलते हैं, जो ट्रेंगल ड्रॉ करके हम लोग पैराबोला ड्रॉ करते थे। हाइपरबोला दैट मीन्स कि आपको बता चुके हैं अभी, जिस तरह से एलिप्स में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता था, उसी तरह यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और जिस तरह से वहां पे कोई मूविंग पॉइंट का सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट विल बी कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स कि वहां एलिप्स में यहाँ सम होता था और हाइपरबोला में डिफरेंस होगा, माइनस होगा। ठीक है, वहां पे मेजर एक्सिस मिलता था, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस मिलता है। ठीक है, दीज आर दी मेथड्स। अब यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल मेथड्स होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिम्प्टोट मेथड। तो ये जनरली पूछता है, इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इससे बनता है, तो वो भी कई बार पूछता है। व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? व्हेन द एसिम्प्टोट्स, यही एसिम्प्टोट्स जो आया हमारा, एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कुछ क्वेश्चन हमने आपको कोनिक सेक्शन में बनाए भी हैं। ठीक ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑन ए कर्व? ठीक ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी पॉइंट ऑफ द कर्व वी आर मोर कंसर्न्ड विद इट्स टू कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द कर्व एंड अलोंग द कर्व। दैट इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑन द कर्व। कोई भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए जिस तरह से आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल एंड टेंजेंट की जरूरत
जरूरत पड़े। साइक्लोइडल कर्व, ये स्पेशल कर्व के कुछ क्वेश्चन आ गए आपके पास। इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विच रोल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ विदाउट स्लिपिंग। ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के वाइवा में, चूंकि प्रैक्टिकल भी होता है, तो ये सब पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। लॉन्ग लाइफ में भी कई बार पूछे जा सकते हैं, आपको कई बार खुद जरूरत पड़ सकता है, इसलिए इन सारे डेफिनेशंस को एक बार दो बार आप पढ़ लें, याद कर लें, ठीक है ना। साइक्लोइड क्या होता है? इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जैसे कि आपको साइकिल का एग्जाम्पल दिए थे, विच रोल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स के रोड पे वह वॉक कर रहा है, दैट मीन्स की रन कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्टिंग लाइन एंड द सर्किल इज कॉल्ड रोलिंग और जनरेटिंग सर्कल, ठीक है। डिफाइन एपिसाइक्लॉइड, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल व्हिच रोल्स ऑन अनदर सर्किल एंड आउटसाइड इट विदाउट स्लिपिंग। द फिक्स्ड सर्किल इज कॉल्ड डायरेक्टिंग सर्किल एंड द मूविंग सर्किल इज कॉल्ड रोलिंग और जनरेटिंग सर्किल, ठीक है। नाउ डिफाइन द हाइपोसाइक्लॉइड, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हिच रोल्स ऑन अनदर सर्कल एंड इनसाइड इट विदाउट स्लिपिंग। दैट मीन्स कि हम यदि जस्ट कंपेयर करें साइक्लोइड, ईपी साइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड, तो एक आपका व्हील यदि स्ट्रेट लाइन पे रन कर रहा है तो साइक्लोइड बनेगा, यदि वह एक ब्रिज पे या सर्किल के ऊपर यदि रन कर रहा है तो ईपी साइक्लोइड बनेगा, और सर्किल के अंदर यदि रन कर रहा है तो हाइपोसाइक्लोइड बनेगा। जैसे कि मौत के कुआं, आप यदि बचपन में मौत का कुआं देखे हो या बड़े होने पे भी आप देख सकते हैं, दिल तो बच्चा है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, तो वहां पे ये हाइपोसाइक्लोइड बनता है। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोइड कर्व इज यूज टू ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, तो व्हेन द सर्किल स्टार्ट्स रोलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ एंड द पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस स्टार्ट्स ट्रेसिंग द कर्व एट एनी गिवन पोजिशन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल टू द पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज ऑलवेज नॉर्मल ऑन द कर्व। और जब आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं तो जस्ट नॉर्मल के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए उस पॉइंट पे, तो वह आपका एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोइडल कर्व। इसका सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है वह है गियर टूथ प्रोफाइल में। व्हाट आर ट्रू ट्रू क्वाइट्स, इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए सर्कल बट नॉट ऑन द सर्कमफ्रेंस व्हिच रोल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ विदाउट स्लिपिंग। इक्वी एंगुलर स्पायरल क्या होता है, ठीक ना। इन्हें लॉगरिथमिक स्पायरल, ठीक ना, दो स्पायरल हमने आपको बताया था, आर्कमेडियन स्पायरल एंड लॉगरिथमिक स्पायरल। दिस इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, एलिप्स इज यूज इन कंक्रीट आर्क्स, स्टोन ब्रिज, डैम्स, मोनूमेंट्स, मैन होल्स, ग्लैंड्स, स्टफिंग बॉक्स, इटीसी। पैराबोला ब्रिज बनाने में, ठीक ना, स्पोर्ट्स लाइक हावड़ा ब्रिज वगैरह जो बना है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक ना, पैराबोला। रिफ्लेक्टर टॉर्च बनाने में काम आता है, हेडलैम्प्स, या कोई भी आप एक स्टोन आप यदि आकाश में फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वह रिटर्न होकर के जमीन पे आता है, तो उस स्टोन का जो पाथ बनता है दैट इज ऑल्सो विल बी पैराबोला। हाइपरबोला इज यूज इन वाटर चैनल्स, कूलिंग टावर, एस्क्यू गियर्स, ठीक ना। हाइपरबोलिक रिफ्लेक्टर्स आर यूज इन लॉन्ग रेंज नेविगेशन, ये नेवी में। आइए देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इट इज ए ऑर्थो मतलब 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ग्राफिक मतलब ड्रॉइंग। इज कॉल्ड सो बिकॉज प्रोजेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, और एक लाइन यदि परपेंडिकुलर हो गया तो सारे लाइन ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है, देखिए, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, बट थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। यहाँ फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर, ध्यान दें, यहाँ पे प्लेन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। फर्स्ट एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, बट इन केस ऑफ थर्ड एंगल इट इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, इन दिस प्रोजेक्शन
फ्रंट व्यू एज रेफरेंस एंड लेफ्ट साइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन इट्स राइट, राइट साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन इट्स लेफ्ट एंड टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन। ठीक उल्टा हो जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। यहाँ पे फ्रंट व्यू आपका नीचे आएगा जो कि रेफरेंस का काम करेगा, लेफ्ट साइड व्यू आपको राइट में होगा, राइट साइड व्यू लेफ्ट में होगा एंड टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा जो आपका रेफरेंस लाइन कहलाता है, या इसी को दिस इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और फ्रंट व्यू को ही एलिवेशन भी बोलते हैं और टॉप व्यू को आप प्लान बोलते हैं। ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग प्लान और एलिवेशन बोलते हैं, ध्यान रखिए। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो दीज आर दी ट्रेसेस, व्हाट आर ट्रेसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड हाउ दे आर लोकेटेड। तो यहाँ तो जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने दिया है, लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा बेटर वे में मिल जाएगा। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सारे आपके जो फ्रंट व्यू है एच डैश वी डैश ए डैश बी डैश ये चारों एक लाइन पे होंगे और एच वी ए बी ये चारों एक लाइन पे रहेंगे। टॉप व्यू मैंने एक लाइन पे और फ्रंट व्यू एक लाइन पे, तो वहीं से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर भी आप इसको देख लीजिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द प्रिंसिपल प्लेन दैट मीन्स एच पी एंड बी पी ऑन एक्सटेंशन और विदाउट एक्सटेंशन आर नोन एज द हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस रेस्पेक्टिवली। दे आर लोकेटेड बाई एक्सटेंडिंग द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फ्रंट व्यू विद एक्स वाई लाइन गिव्स द फ्रंट व्यू, दैट मीन्स की हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टर ऑफ द एच डैश विद द टॉप व्यू ऑफ द लाइन और इट्स एक्सटेंशन गिव्स द हॉरिजॉन्टल पॉइंट इन टॉप व्यू। ठीक है, ठीक सिमिलरली इसके अपोजिट हो जाएगा वाइस वर्सा वर्टिकल ट्रेस के लिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टॉप व्यू विद एक्स वाई लाइन गिव्स द टॉप व्यू ऑफ द वर्टिकल ट्रेस। इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टर ऑफ द वर्टिकल पॉइंट विद द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन और इट्स एक्सटेंशन गिव द फ्रंट व्यू ऑफ द वर्टिकल। आइए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्लिक प्लेन, ए प्लेन इंक्लाइन टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन आइदर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन और इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। स्ट्रेटेजी टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्लेन, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जिस प्लेन के ये इंक्लाइंड है ठीक है ना, उसके सबसे पहले आप पैरेलल लेकर के बना लीजिए और सेकेंड व्यू में उसको इंक्लाइन कीजिए, ये मेन प्रिंसिपल है। एक्जुलरी प्लेन, ए प्लेन इंक्लाइन टू आइदर एच पी और बी पी, किसी एक प्लेन के इंक्लाइंड होगा। जनरली जब एच पी से इंक्लाइंड होता है तो इसको एक्जुलरी प्लेन बोलते हैं, और जब आपका बी पी से इंक्लाइंड होता है तो उसको एक्जुलरी वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, और जब एच पी से होता है तो एक्जुलरी इंक्लाइंड प्लेन होते हैं। एनी प्लेन अदर देन दी एच पी और बी पी इज कॉल्ड एक्जुलरी प्लेन, ध्यान रखिए। ठीक है, एक्जुलरी प्लेन का दो टाइप होता है ठीक ना, एक्जुलरी इंक्लाइंड प्लेन जो कि एचपी से इंक्लाइन होता है और एक्चुअली वर्टिकल प्लेन जो बीपी से इंक्लाइन होता है। प्रोफाइल प्लेन, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड बीपी ठीक ना, तो और एक्चुअली प्लेन इंडिकेट कैसे करते हैं, तो जस्ट आइदर बाय लाइन ठीक ना ऑन एक्चुअल शेप ऑन द साइड व्यू, तो उससे आप एक्चुअली प्लेन को इंडिकेट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में देखिए, डिफरेंस बिटवीन फ्रस्टम ऑफ सॉलिड एंड ट्रंकेटेड, जब आप बेस के पैरेलल किसी सॉलिड को कट करते हैं तो आपको फ्रस्टम मिलता है, और जब इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन से कट करते हैं तो जो आपको रिमेनिंग शेप मिलता है उसको ट्रंकेटेड सॉलिड बोलते हैं। राइट सॉलिड किसको बोलते हैं, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बेस इज कॉल्ड राइट सॉलिड ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड, तो प्रिज्म में आप देखिए बेस का शेप और टॉप का शेप दोनों सेम होता है, यदि नीचे पेंटागन है तो ऊपर भी पेंटागन होगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। बल्कि पिरामिड में क्या होता है कि नीचे जो भी आपका बेस रहेगा शेप ऑफ द प्लेन होगा पिरामिड स्क्वायर जो भी है, और ऊपर में टॉप में आपको हमेशा एपेक्स मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। सेक्शन ऑफ सॉलिड में देखिए, हाउ कटिंग प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, इट इज कटिंग प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट ए डॉटेड लाइन ठीक ना, और लास्ट में एक बोल्ड लाइन थोड़ी सी छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो कटिंग प्लेन इंडिकेट करता है जो भी कंडीशन दिया है ठीक ना। और सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉलिड सेक्शन ऑफ सॉलिड, इट देयर इज टू मच इंपॉर्टेंट
पार्ट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होता है, उसमें हम लोग कुछ काट छांट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो पूरी काटने छांटने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग द सॉलिड टू मेक और टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड शेप इज कॉल्ड सेक्शन ऑफ सॉलिड। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्शन सरफेस ऑफ द सॉलिड। डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस किसी भी मीन बाई डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस किसी भी शीट मेटल को या सॉलिड को जब हम ओपन करते हैं उसके एक्चुअल डायमेंशन को देखने के लिए जब उसको डेवलप करते हैं, ठीक है ना, तो उसको डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। हर सॉलिड के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, बट इंपॉर्टेंट मेथड्स आर पैरेलल लाइन मेथड्स एंड रेडियल मेथड्स। पैरेलल लाइन मेथड्स आपके सिलेंडर में, प्रिज्म में यूज करते हैं, जबकि कोन और पिरामिड में रेडियल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है ना। मेथड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्फीयर, जोन मेथड एंड ल्यून मेथड्स आर यूज टू डेवलप द स्फीयर। व्हाट डू मीन बाई एंटी डेवलपमेंट अपोजिट? जैसे कोई शीट मेटल कोई प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट से उसको शीट में कन्वर्ट करते हैं, और शीट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को एंटी डेवलपमेंट बोलते हैं। पैरेलल लाइन मेथड एंड व्हेन इट इज यूज, दैट मीन्स हर इसमें जो कॉर्नर होता है, एज होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रिज्म। रेडियल लाइन मेथड में जैसे कि आप एक रेडियस ड्रॉ करते हैं कोन में या पिरामिड में, ठीक ना। ट्रेंगुलेशन मेथड बेसिकली स्फीयर में यूज करते हैं हम लोग, वहां पे ट्रेंगुलर मेथड यूज करके, या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप में जैसे टेट्राहेड्रॉन में भी ट्रेंगुलेशन मेथड यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट मेथड, जहां पे एक्चुअल लेंथ आपका डेवलपमेंट में नहीं आ पाता है, वहां पे अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं, जैसे कि जोन मेथड में, ठीक है, या ल्यून मेथड में, क्योंकि एग्जैक्ट, हालांकि डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि एग्जैक्ट आपको शेप एंड साइज चाहिए होता है, साइज में कोई वेरिएशन नहीं चाहिए होता है, हमेशा ट्रू लेंथ लेकर के बनाते हैं, लेकिन ट्रू लेंथ जहां नहीं मिलता है वहां पे अप्रोक्सीमेट मेथड से निकाल। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ऊपर आइए, कि जब आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाता है, और जब ट्रू लेंथ लेते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू हो जाता है। एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दैट मीन्स कि 2D ऑब्जेक्ट को आप 3D में एलिब्रेट कर लेते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यहाँ पे एक ही पिक्चर में सारे व्यू आपको दिख जाते हैं। हाउ यू ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फेयर, अब स्फेयर के लिए भी आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसका जो रेडियस है वह आपको लेने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू दिया है और उससे जो 3D बनाते हैं उसी को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना कहते हैं। एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग ओवर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू टेक आइसोमेट्रिक स्केल, दैट इज ए आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग। तो ये एडवांटेज है कि आपको स्केल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें स्केल ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। फिर से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दैट मीन्स कि आप इस 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक ना, तो जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसी को आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं, और उससे जो प्लेन होता है, दैट मीन्स जो तीन एक्सिस होता है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पे, उसी को आइसोमेट्रिक, जहाँ एक्स वाई जेड जैसे बोलते हैं उसी तरह से, लेकिन एक्स वाई जेड में क्या होता है कि सभी एक्स वाई जेड लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक एक्सिस में सभी एक दूसरे के 120 डिग्री एंगल पे होते हैं, ताकि किसी भी पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री एंगल बन सके, और उस एक्सिस को मिला करके जो प्लेन बनाते हैं उसी को आइसोमेट्रिक प्लेन। तो आप इस तरह से कुछ ज्यादा वीडियो जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे मैकेनिकल पंडित जो एजुकेशनल चैनल है उस पे जा सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा आपको सिलेबस वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है। यदि ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं मिलता है या कहीं डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो फॉर यू ओनली, ठीक है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी जो भी फीडबैक है आपका, आप हमारे साथ शेयर कीजिए, वीडियो को आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को प्रमोट कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी फायदा मिल सके और आपको
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।